हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया खराड़िया फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो गाइस, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? सबसे पहले परिभाषा। पौधों के विभिन्न वायव भागों जैसे कि तना और पत्ती से जल के वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। गाइस, आपको पता है कि जड़ जो है जमीन के नीचे वाला भाग होता है और तना और पत्ती प्रवाह तंत्र वाला वायु भाग होता है जिससे जल वाष्प के रूप में निकलता है, तो इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तना और पत्तियों से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ये तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स हम इसके बारे में। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो गाइस, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 50 से 97% जो है भाग इसी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियां बाहर निकालती है जल का। पत्तियों के द्वारा ही ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। ये एक तरफ भी हो सकते हैं और दोनों तरफ भी हो सकते हैं। पत्तियां प्रमुख अंग होती है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का। ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मेनली पत्तियों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, 3 से 10% जल का भाग इस विधि के द्वारा बाहर निकलता है। 3 से 10% भाग। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं यानी कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं, पौधों के पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मरुद्भिद पौधों की पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। यह आवरण कई जगह से टूट जाता है। ये जो सतह होती है क्यूटिकल की, वो कई जगह से कट जाती है, हट जाती है, और हट जाती है तो उस वहां पर जहां से कटी फटी होती है वहां से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना चालू हो जाता है। तो इस आवरण के टूट जाने से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। इस तरह से उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है।
इसके बाद नेक्स्ट है वातरंध्रीय। वास्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वास्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो कई काष्ठीय पौधे होते हैं, उनकी जो काष्ठ होती है काष्ठीय स्तंभ होती है और कुछ फल होते हैं जिनके सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं। कुछ काष्ठीय पौधे इनके स्तंभ, पौधों के जो स्तंभ होते हैं वह कुछ फल होते हैं जिनकी सतह पर छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें वातरंध्र कहते हैं। इन्हें वातरंध्र कहते हैं। इनके द्वारा जो जल की हानि होती है वो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इनके द्वारा होने वाली जल की हानि को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। गाइस, ये जो कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% होता है, ये जो कुल वाष्पोत्सर्जन पौधे में होता है कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% इसके द्वारा होता है। तो गाइस, हमने थ्री टाइप्स वाष्पोत्सर्जन के पढ़े। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन पढ़ने से पहले हम जो पत्तियां होती है पत्तियों के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। पत्ती की जो निचली और ऊपरी सतह होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। पत्ती की निचली व ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। ऊपरी और निचली जो एपिडर्मिस होती है यानी जो दोनों एपिडर्मिस होती है, दोनों एपिडर्मिस के मध्य में मीजोफिल टिश्यू उपस्थित होता है। मीजोफिल टिश्यू उपस्थित होता है। डाइकोटिलेडंस जो होते हैं द्विबीजपत्री जो पत्तियां होती है उनमें यह पैलिसेड व स्पोंजी पेरेन्काइमा में विभेदित होता है। द्विबीजपत्री पर्णों में यह मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड व स्पोंजी पेरेन्काइमा में विभेदित होता है। रंध्र पत्ती के एक या दोनों सतह पर उपस्थित हो सकते हैं।
रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती है। थ्री टाइप्स की जो पत्तियां होती हैं उनमें फर्स्ट है हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक जो लीव्स होती है उनके केवल केवल निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। इन्हें एप्पल टाइप भी कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ये मिलते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एम्फिस्टोमेटिक। एम्फिस्टोमेटिक टाइप की जो लीव्स होती हैं उनमें रंध्र पत्ती के दोनों सतह पर पाए जाते हैं। रंध्र पत्ती के दोनों सतह पर पाए जाते हैं। गाइस, इस प्रकार के जो रंध्र है वो मक्का और जई, जई का प्लांट होता है, जई में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो घासें होती है इनमें भी पाए जाते हैं। ये जो एम्फिस्टोमेटिक टाइप के रंध्र हैं इनको हम जई प्रकार के भी कहते हैं। जई प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। रंध्रों की जो प्रति वर्ग सेमी संख्या होती है, रंध्रों की जो संख्या होती है प्रति वर्ग सेमी, प्रति वर्ग सेमी संख्या होती है वो 100 to 60,000 तक हो सकती है। 100 to 60,000 तक हो सकती है। नेक्स्ट